Now, the Kolkata police is continuously making arrests in the Arjikar hospital. In fact, more arrests have been made. The police has so far arrested 19 attackers. Late night, the police also posted the faces of more than half a dozen attackers on social media to identify them. Right, we have Mohit Om joining us on the broadcast from the Arjikar hospital. 19 people have been arrested by the police, Mohit Om. Aur logon ki bhi pehchan ho rahi hai, ye jankari mil rahi hai. देखिए, कोलकाता पुलिस उन वीडियोस को लगातार वेरीफाई कर रही है जो वीडियो उस दिन अटैक के सोशल मीडिया पे पोस्ट हो रहे हैं, या उनको अपने लोकल सोर्सेज से जो वीडियोस मिल रहे हैं उनमें उन चेहरों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है जिन्होंने यहां पर आकर हमला किया था, और उसमें अभी तक 19 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। इसके अलावा खुद कोलकाता पुलिस अपने सोशल मीडिया साइट्स पर उन लोगों के लगातार फोटो पोस्ट कर रहे हैं जिन्होंने यहां पर आकर हंगामा किया था, उनके चेहरे अलग अलग वीडियोस में नजर आ रहे हैं। लगातार इस मामले में कोलकाता पुलिस की कार्रवाई तेज हो रही है। अगर बात करें आज इस हॉस्पिटल की, तो उस जगह को आज पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है जहां पर पूरी तरीके से हंगामा जहां देखने को मिला था, और इसी पे फोर्थ फ्लोर में वो जगह है, वो सेमिनार हॉल है जहां पे ट्रेनी डॉक्टर का रेप हुआ था। फिलहाल यहां पे आज गार्ड और पुलिसकर्मी यहां को बैठाए दिख रहे हैं इमरजेंसी एरियाज के अंदर। यहां पर किसी को भी आने जाने की इजाजत नहीं दी गई है। पुलिस की अगर संख्या दिखाएं तो यहां पर पुलिस भी काफी बड़ी संख्या में आज हॉस्पिटल के अंदर देखने को मिल रही है। लगातार यहां पर जांच तेज चल रही है। अगर बात करें आज क्या अपडेट्स होने, तो आज यहां पर जो लोकल एफसीएल की टीम है वो यहां पहुंचेगी। कल सीबीआई के साथ दिल्ली एफएसएल की टीम यहां पहुंची थी, लेकिन आज कोलकाता एफएसएल की टीम यहां पहुंचेगी। जो ये साइट थी जहां पर तोड़फोड़ की गई थी, उस जगह के आज जो साइंटिफिक एविडेंस है वो यहां पर उठाएंगे। सीबीआई की टीम दोबारा विजिट कर सकती है। देर रात यहां पर सीबीआई की टीम ने विजिट की थी, और यहां के जो प्रिंसिपल हैं उनको अपने साथ लेके गए थे, उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए हैं, बाद में उनको छोड़ दिया गया है। तो फिलहाल यहां पर आज सारा दिन जो है पुलिस की इन्वेस्टिगेशन देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जो पॉलिटिकल अगर प्रदर्शन की बात करें, तो खुद ममता बनर्जी आज सड़कों पर उतरते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा बीजेपी लगातार इस मामले में प्रदर्शन कर रही है। ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से आज देशव्यापी प्रदर्शन देखने को अलग अलग अस्पतालों में मिल सकता है। तो फिलहाल बात करें यहां पर, तो कोलकाता पुलिस जो है वो अपनी जो तोड़फोड़ के मामले में उन्होंने जांच तेज की है, और अभी तक 19 लोगों की गिरफ्तारी की है। और कोलकाता पुलिस का कहना है कि और लोगों के चेहरे जो आइडेंटिफाई हो रहे हैं उनकी भी गिरफ्तारी जल्द होगी। इमेजेस हैव बीन पोस्टेड ऑन सोशल मीडिया एज वेल।